वरदान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वन विभाग द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता चलाई जा रही है, जिसमें स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये पेंटिंग आम नागरिकों की जिला कलेक्ट्रेट की दीवारों पर बनाई जा रही है। इससे कलेक्ट्रेट की सामने की दीवारों की सुंदरता बढ़ेगी और लोग जागरूक रहेंगे। आइए हम स्टूडेंटों से जानते हैं कि वो किस तरह से ये पेंटिंग बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृतिका प्रजापति। आज ये किस लिए पेंटिंग बनाई जा रही है? आज एक कंपटीशन था वन रक्षण के लिए, उसलिए हम लोगों को सबको एकत्रित किया गया कि ताकि हम लोग बना पाएँ और पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट हो कि भाई हम लोगों को बच्चियों की संरक्षा करनी चाहिए और उनको संभालना चाहिए। इस वजह से। क्या नाम है आपका? मेघा सिंह। किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही हैं पेंटिंग के द्वारा? ये वन विभाग फॉरेस्ट वन आरक्षण की तरफ से पेंटिंग की जा रही है और ये ना पक्षी बचाओ इस सब के लिए पेंटिंग का यही बात। क्या नाम है आपका? मधु चौरसिया। ये किस कैसी प्रतियोगिता चलाई जा रही है यार? ये स्कूल में कंपटीशन होना था तो वन विभाग की ओर से स्कूल में कंपटीशन होना था तो सर ने हम लोग को बताया तो हम लोग ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। तो हम लोग ने कॉमन टाइगर बटरफ्लाई बनाई यहाँ पे, ये पेड़ पौधों को मतलब बटरफ्लाई, ये जो बटरफ्लाई है इसको खुला वातावरण ज़्यादा पसंद है तो ये अक्सर गार्डन में मतलब खुले वातावरण में ज़्यादा पाई जाती है। कैसे लोगों को जागरूक कर रही हैं इसके मतलब जो लोग पेड़ पौधे काटते हैं, मतलब जो पेड़ मतलब नहीं लगाते तो उनके लिए है कि वो पेड़ लगाएं, अधिकतर पेड़ लगाएं, पेड़ को ना काटें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस के उपाध्याय, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस पेंटिंग द्वारा? वन विभाग के द्वारा जो वन सप्ताह चला, पेड़ पौधों को मतलब बटरफ्लाई, ये जो बटरफ्लाई है इसको खुला वातावरण ज़्यादा पसंद है तो ये अक्सर गार्डन में मतलब खुले वातावरण में ज़्यादा पाई जाती है। तो कैसे लोगों को जागरूक कर रही हैं इसके मतलब जो लोग पेड़ पौधे काटते हैं, मतलब जो पेड़ मतलब नहीं लगाते तो उनके लिए है कि वो पेड़ लगाएं, अधिकतर पेड़ लगाएं, पेड़ को ना काटें। मेरा नाम एस के उपाध्याय, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस पेंटिंग द्वारा? वन विभाग के द्वारा जो वन सप्ताह चलाया जा रहा है उसमें एक कंपटीशन रखी गई थी ये पेंटिंग्स वाली। कल हमारी जो है बायोडायवर्सिटी की क्विज भी हुई थी हमारे विद्यालय में, उसमें भी बच्चों ने भाग लिया था और ये पेंटिंग थी और हमें बटरफ्लाई का जो विषय मिला था बच्चियों ने इसमें भाग लिया। हमारे टीचर भी श्री नीरज पांडे जी, उन्होंने भी सहयोग किया। इससे हमें जो आम जनता है उससे ये प्रदर्शित करना है कि हम वनों को कम से कम काटें और पौधे ज़्यादा लगाएं, जिससे ये जो वन्य जीव हैं या छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो वृद्धि कर सकें। हमारी बटरफ्लाई बहुत सहयोगी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि इसके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। फसल में जो पुष्प आता है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में बैठती है और परागण की प्रक्रिया करती है, तभी बीज का निर्माण होता है। अथर्व कर हैं। आज ये किस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं? ये सेव द वाइल्ड लाइफ, हमारे लिए हमारे पर्यावरण कितना ज़रूरी है और पर्यावरण की वजह से ही हमारा जीवन जो है पूरा निर्भर जंगल के ऊपर ही करता है,
तो हमें ज़्यादातर जानवरों को बचाना चाहिए, तो वही है धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग चिड़िया बना रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये बना रहे हैं और क्या कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण दास वर्मा, वर्मा आर्ट, शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर। ये आप लोग ये पेंटिंग बना रहे हैं? हाँ। कैसे बना रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये जो है जो वन क्षेत्र से है, वन क्षेत्र के द्वारा उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को बुला करके ये बनवाए जा रहे हैं, जिसमें जनता को थोड़ी शिक्षा मिले कि हमारा अपना जो क्या नाम है भैया आपका? अथर्व करकर हैं। आज ये किस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं? ये सेव द वाइल्ड लाइफ, हमारे लिए हमारा पर्यावरण कितना ज़रूरी है और पर्यावरण की वजह से ही हमारा जीवन जो है पूरा निर्भर जंगल के ऊपर ही करता है, तो हमें ज़्यादातर जानवरों को बचाना चाहिए, तो वही है धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग चिड़िया बना रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये बना रहे हैं और क्या कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण दास वर्मा, वर्मा आर्ट, शुक्लाना मोहल्ला, छतरपुर। ये आप लोग ये पेंटिंग बना रहे हैं? हाँ। कैसे बना रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये जो है जो वन क्षेत्र से है, वन क्षेत्र के द्वारा उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को बुला करके ये बनवाए जा रहे हैं, जिसमें जनता को थोड़ी शिक्षा मिले कि हमारा अपना जो है वन क्षेत्र की रक्षा करना चाहिए, इसीलिए ये सब दिखाने के लिए बना। हाँ, बड़े मलेरा वन क्षेत्र की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? किस्मत महेंद्र सिंह हूँ, डिप्टी रेंजर गुलगंज। किस तरह से प्रतियोगिता चलाई जा रही है? ये बच्चों का हुनर और कलाकारों का हुनर व साथ साथ में जंगल के प्रति जागरूकता बढ़े और जंगल के प्रति प्रेम बढ़े, इस कारण ये प्रतियोगिता रखी गई है और जंगल से काफ़ी जो फ़ायदे हैं और हमें जंगल से क्या क्या फ़ायदे और कितने उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सबको ये जागरूकता दी जा रही है बच्चों को और आम पब्लिक को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बच्चे किस तरह से अपनी कला से पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वन को किस तरह से सुरक्षा रखनी चाहिए और पक्षियों को, इसी तरह आप लोग भी इनका सहयोग करें और देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस। हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।